अभी देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। और मजा आ रहा है फिलहाल तो। ये चप्पल कुछ खा नहीं रहा है, ये मैडम का पैर झाड़ा हो गया। So we have finally reached to the दूधसागर स्पा रिसोर्ट। और जैसे कि मैंने जंगल बुक का स्टोरी बताया, वीडियो थोड़ा स्टेकी आएगा क्योंकि GoPro की मेमोरी ख़त्म हो गई है। तो अब हो रहा है व्लॉग फ़ोन से, और फ़ोन में जो DJI का गिम्बल था वो तो हम लोग घर पे छोड़ के आए क्योंकि बारिश का मौसम है और वो वाटरप्रूफ तो है नहीं, तो लेके आके कुछ फ़ायदा नहीं था। एक्चुअली रिसोर्ट बहुत औसम है, यहाँ पे गार्डन है, पीछे गार्डन है, सब जगह पे गार्डन ही गार्डन है। और जंगल बुक भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन जंगल बुक की प्रॉपर्टी थोड़ी छोटी थी और उसमें रूम्स इतने स्पेशियस लेविश नहीं थे। एक्चुअली लेविश रूम की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन ये हम लोग को 25% और भी कॉस्ट कम हो रहा था। उसका हम लोग को 2 रूम का 2 नाइट का 5800 हुआ था, और यहाँ पे 2 रूम का 2 नाइट का हम लोग को पड़ रहा है अराउंड का एक 4400 रुपीज़ का। तो फिर 1400 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो फिर हम लोग ने सोचा अच्छे भी रूम मिल रहे हैं और फ़ायदा भी हो रहा है, तो क्यों ना इस चीज़ का लाभ उठाया जाए। और हम यहाँ पर आ गए। अगर आपने हमारा अहमदाबाद वाला संकुच रिसोर्ट वाला स्पॉन्सर वीडियो देखा होगा तो आपने ज़रूर उसमें रूम टूर देखी होगी, और अगर नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखिए। बहुत औसम रिसोर्ट है, अहमदाबाद के नज़दीक है, महसाना के नज़दीक है। अब यहाँ का रूम आपको बताता हूँ, बहुत चुम्मा रूम है। अरे ऐसा चुम्मा रूम है ना कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था जंगल बुक कैंसिल करके यहाँ पे आने का। एक्चुअली जंगल बुक रिसोर्ट भी बहुत औसम है, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिसको जंगल वाली फीलिंग लेनी हो। हमने जंगल वाली फीलिंग ली है पहले, और नहीं भी ली तो फ्यूचर में ले लेंगे। फिलहाल हम लोग बहुत थके हुए थे, तो हम लोग को अच्छा रूम लेना था और अच्छा स्टे चाहिए था। तो अच्छे स्टे के लिए दूधसागर स्पा रिसोर्ट से अच्छा कोई स्टे नहीं मिला हम लोग को। और जैसे कि मैंने कहा प्राइस में तो डिस्काउंट था ही, तो हमारे पैसे तो बचे ही, लेकिन ठीक है हमारी थोड़ी टैक्सी के कॉस्ट एक्स्ट्रा हो गया, तो उसमें हमारा मतलब इक्वलाइज ही हो गया जो भी है वो। ये है छोटा सा हमारा कॉटेज, और कॉटेज अंदर हम लोग जाते हैं तो फिर सीधा आता है बेडरूम। आपको सीधा अंदर दिखा दो, चलिए मेरे साथ। यहाँ पे छोटा सा बरामदा है, 4 सीटें और एक टेबल लगा हुआ है। तो इवनिंग में हमारा प्लान है अभी थोड़ी देर यहाँ से गप्पे शप्पे लगाएंगे, और थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के स्नैक वगैरह लेंगे, डिनर भी यहीं पे लेंगे। कल सुबह को जाना है 6 बजे एट दूधसागर, तो फिर हम लोग जल्दी सो जाएंगे, 8 बजे सो जाएंगे। फिलहाल चलते हैं अंदर और आपको मैं स्टे रूम दिखाता हूँ। और ये रूम देखिए, मैन मुझे ऐसे रूम बहुत पसंद है। यहाँ पे बैठे हो, सीधा पीछे देखो गार्डन, और क्या ऑसम लोकेशन है। आप देखिए यहाँ पे मस्त एक कम्फी बेड दिया हुआ है, वो इतना कम्फी बेड दिया हुआ है, टीवी लगा हुआ है, शावर सेक्शन है, WC है, वॉशरूम है, जो भी है ये तो सब कॉमन होता है, ठीक है, ये सब रूम में होता है, तो फिर ये नहीं दिखाऊंगा मैं आज। टीवी लगा हुआ है, लगेज के लिए अलग सेक्शन है, वार्डरोब दिया हुआ है, तो ओ काफी बड़ा वार्डरोब दिया हुआ है, और एक स्टडी टेबल दिया हुआ है। तो ओके ये तो सब होता है, लेकिन मेन बात है ये बेड। ये देखिए इतना कंफर्टेबल बेड दिया। अभी कल हम लोग ट्रैक करने वाले 22 किलोमीटर, तो उसके बाद तो बेड का मजा लेने का बनता है भाई। और यहाँ से सीधा आप बाहर देखिए तो आता है सीधा ये गार्डन, बहुत सुपर, बहुत ही फाइनली डेकोरेटेड, परफेक्टली प्लेस्ड लोकेशन है। पूरा आजू बाजू भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बीच में रिसोर्ट बनाया गया है। और देखिए आप, क्या बोलूँ यार, दिस इज बियॉन्ड ब्यूटीफुल यार। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बजे 6:30 और हम लोग जा रहे हैं दूधसागर की ट्रैक पे। और हम लोग को जाना था जल्दी क्योंकि हम लोग को जल्दी वापस आना है, क्योंकि वहाँ से कुछ मालगाड़ियाँ चलती है, तो रिटर्न में आने के टाइम पे ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा था कि रिसोर्ट भी थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, अभी इतना अच्छा वाला रिसोर्ट लिया है, तो अगर लेट जाएंगे तो लेट आएंगे। कल सुबह वापस यहाँ से निकल के लौंडा जाके घर पहुँचना है, तो बेटर था कि सुबह को जल्दी ट्रैक करें। तो हम लोग ने गाइड भी हायर कर लिया हमारा। अब गाइड के चार्जेस है 500 रुपीज़ पर पर्सन। तो फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से। अब बारिश में ये लोग का जीप सर्विस बंद होता है, तो फिर हम लोग को पूरा ट्रैक करना पड़ेगा। 9.5 किलोमीटर जाने का है दूधसागर वाटरफॉल के लिए। अगर और वो ब्रिज पॉइंट तक जाना है तो लगेगा 12 किलोमीटर वन वे, इट इज़ नॉट 2 वे, वन वे। और रिटर्न आने के लिए लग जाएगा 24 जितना, लेकिन रिटर्न हम लोग का वो ट्रेन में जुगाड़ हुआ है। तो वहाँ पे एक स्टेशन है, सेरोलेम ऐसा कुछ तो है नाम, मुझे भी नहीं पता। तो वहाँ पे कोई ट्रेन रुकती है आज के दिन पे, संडे पे, तो रिटर्न में हम लोग आएंगे वो उस ट्रेन में। लेकिन उसके लिए हम लोग को करनी पड़ेगी थोड़ी जल्दी, इसलिए हम लोग जल्दी निकले। सुबह को नॉर्मली ट्रैक स्टार्ट होती है 7, 8, 9 बजे के बाद, लेकिन हम लोग जल्दी निकल गए क्योंकि हमको फिर जल्दी आना है आज और ट्रेन में आना है, क्योंकि दोनों मतलब रिटर्न में फिर वो चल के आगे कुछ मीनिंग नहीं है फालतू का। 12 किलोमीटर में और भी थक जाएंगे। फिलहाल हम लोग आ गए दूधसागर वाटरफॉल के काउंटर पे। यहाँ पे लाइफ जैकेट वगैरह सब कंपलसरी है, गाइड में इंक्लूडेड है सारा 500 रुपीज़ में। देखते हैं अब कैसा है और कितना टाइम लगेगा ऊपर पहुँचने को। अगर जल्दी पहुँच गए तो ज़्यादा टाइम मिलेगा और नहीं पहुँचे जल्दी और बीच में रुके तो फिर कम टाइम मिलेगा, क्योंकि आने का तो वो ट्रेन में फिक्स है। तो ये है सारा हिसाब किताब, आप पॉज करके पढ़ लीजिए जो भी है वो और देख लीजिए लाइफ जैकेट काउंटर और जो भी है वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने तो पढ़ा नहीं अभी तक और बस हम लोग को भी लाइफ जैकेट दे दिया इन्होंने, तो फिलहाल पहनना तो नहीं होगा, आई थिंक वो ऊपर जाके ही पहनेंगे। अगर लाइफ जैकेट नहीं पहना तो और गाइड नहीं है आपके साथ, आप खुद ही ट्रैक कर रहे हो। अगर एक बार आ जाते हो दूधसागर तो आपको रास्ता पता चल जाता है, और उसके बाद अगर आप विदाउट लाइफ जैकेट खुद ही ट्रैक करते हो तो आपको फाइन भी अच्छा खासा लग जाएगा। तो फिर ऐसा मत करना, कभी भी आओगे तो गाइड ले लेना, गाइड से अच्छा भी पड़ेगा। कोई कहीं पे भी थोड़ी वाटर क्रॉसिंग आ गई या बारिश हो गई और वाटर का लेवल बढ़ गया कहीं पे भी बीच में, तो गाइड आपको हेल्प करेगा वहाँ से निकलने में। तो बेटर वही है कि गाइड लेके चलो। 500 रुपये पर पर्सन अगर आप घूमने आए हो तो इज़ नथिंग यार। और इतनी सुबह सुबह जाने वालों पे कुत्ते भी भौंकते रास्ते पे, तो बस। और बीच में भी एक कुत्ता था हम लोग के पीछे पीछे आ रहा था, भौंक रहा था हम लोग पे। और अभी ठीक है यार, अभी मैं सीधा रास्ता दिखाता हूँ। क्या बोलूँ, इतनी सुबह सुबह थोड़ी एनर्जी भी कम है, कल रात का खाना भी इतना हजम नहीं हुआ है। और बस यहाँ पे एक वड़ा पाव की शॉप है, वड़ा पाव मिलता है, तो हम लोग ने वड़ा पाव ही पैक किया और कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे वड़ा पाव के लिए टूरिस्ट के रेट लगते हैं 20 रुपये पर वड़ा पाव। तो अगर जीप बंद है और आप रेनी सीज़न में आते हो तो स्टार्टिंग का 3-4 किलोमीटर का जो रास्ता है आपको रेलवे ट्रैक पर जाना होगा, जैसे कि मैं चल रहा हूँ अभी। और उसके बाद ये बोल रहे थे हमारे गाइड साहब के कोई रास्ता आएगा वहाँ से हम लोग डिवाइड हो जाएंगे, मतलब रेलवे ट्रैक अलग हो जाएगी, हम लोग अलग रास्ते से जाएंगे। तो अगर आप लोग ने हमारा फिलीपींस वाला वीडियो सीरीज़ देखा होगा और उसमें कावासान फॉल्स वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग एक वाटरफॉल डिसेंड करके गए थे सारा वाटरफॉल से कूद के और रिवर में तैर के। तो उस टाइम पे लास्ट का एक पॉइंट था जहाँ पे कावासान वाटरफॉल था, मतलब बाडियन कैनोनियरिंग करके नाम होगा वीडियो का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बहुत अच्छा वीडियो देखिएगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी सारा वाटरफॉल का पानी एक जगह पे जमा होता है जहाँ पे तालाब जैसा बन गया है, तो उसी के लिए हम लोग को ये लाइफ जैकेट दिया। अगर हम लोग को उसमें स्विम करना होगा तो लाइफ जैकेट इज़ मस्ट, क्योंकि बहुत डीप है वो। तो अराउंड 4 किलोमीटर ट्रैक पर चलने के बाद रास्ता चेंज कर दिया और हम लोग जा रहे हैं अभी जंगल के रास्ते। आगे ट्रैक का रास्ता लंबा पड़ेगा और जंगल का रास्ता नज़दीक पड़ेगा। यहाँ तक ट्रैक का रास्ता नज़दीक था, जंगल का रास्ता लंबा था। तो ये हिसाब से सेटिंग लगाया था हमारे गाइड ने, यानी कि सब गाइड यही सेटिंग लगाते हैं। हम लोग आगे एक रिवर बैंक पे एक्चुअली, और जो दूधसागर वाटरफॉल की रिवर बैंक लग रही है मुझे। और पानी देखा जाए तो ग्रीनिश है, नॉट ब्लू, बट अच्छा है, मतलब रिवर तो अच्छी चल रही है। अभी मेरे को तो सिर्फ एक डर है कि यहाँ पर देखो आपको दूसरे भी आवाज़ बहुत आते रहेंगे बर्ड्स वगैरह के। तो हम लोग एकदम डार्क फॉरेस्ट में आ चुके हैं अभी, तो बस एक वाइल्ड एनिमल का ही डर है, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी हम लोग चल तो लेंगे आराम से। ये नॉर्मली यहाँ पे जीप चलती है, आप विंटर में आओगे ना तो यहाँ पे जीप यही रास्ते से लेके जाएगी आपको। अभी जीप बंद है क्योंकि रास्ते पे ये जो रिवर बैंक आपको दिख रही है कि साइड में, इसका पानी बहुत बार ऊपर आ जाता है, आई मीन चढ़ जाता है, तो इसके लिए जीप बंद करी हुई है। जीप खुलेगी 15 अक्टूबर के बाद। देयर इज़ नो अदर वे बट टू गो बाय वॉकिंग। और पानी में चलने का कोई मज़ा ही अलग है, एकदम ठंडा ठंडा पानी है और क्लीन पानी है, मतलब मिट्टी वाला नहीं है, क्लीन पानी है, तो चलने का मज़ा भी आ रहा है। अब रेलवे ब्रिज का ऐसा सीन है कि हम लोग को बोला जा रहा है कि जो RPF होते हैं, यानी कि रेलवे पुलिस, वो हम लोग को अलाउ नहीं करेंगे ब्रिज पर जाने को, रास्ते में आएंगे तो वो किसी को भी अलाउ नहीं करते। अगर वो वहाँ पे नहीं रहेंगे तो हम लोग चले जाएंगे, अगर रहेंगे तो नहीं अलाउ करेंगे पूरे। तो गाइज़ अभी मैंने ये चप्पल लगाया, ये मैडम का चप्पल है, ये मैडम का। अब मैडम बोलते हैं इसको ये चप्पल खा रहा है, तो मैंने ये वाला चप्पल मेरा वाला चप्पल इनको दे दिया, इनका चप्पल मैंने पहन लिया। अब ये है लेडीज़, लेकिन ठीक है, इधर कोई है तो नहीं ना जंगल में, तो अपने को चलेगा। अभी देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं, और मज़ा आ रहा है फिलहाल तो। ये चप्पल कुछ खा नहीं रहा है, ये मैडम का पैर झाड़ा हो गया। शेफाली को ये चप्पल बहुत काट रहे थे, तो मैंने अपने चप्पल उसको दे दिए। मैंने बोला तेरे चप्पल मेरे को दे, मैं ट्राई करता हूँ, इनकेस अगर मैं चल पाता हूँ तो मैं यही चप्पल में चलूँगा, आई मीन तेरे चप्पल में चल लूँगा, मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने उसके चप्पल पहन लिए और उसने मेरे पहन लिए, थोड़े बड़े हो रहे उसको, लेकिन फॉरेस्ट बहुत डेंस है, इसलिए चप्पल के बिना नहीं चल सकता। वैसे मुझे चप्पल के बिना चलने में बहुत मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, एक अलग ही मज़ा आता है चप्पल के बिना चलने में। और ऊपर से यहाँ पे ये जो स्टोन्स हैं उसकी वजह से एक एक्यूप्रेशर का अलग ही फीलिंग होता है। लेकिन कोई मुझे चप्पल पहने बिना चलने नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है नीचे, आई मीन कुछ भी होगा नीचे कुछ, और कुछ काट लेगा तो फालतू में तकलीफ़ हो जाएगा। तो इसके लिए मैं चप्पल पहन के चल रहा हूँ। लेकिन ये चप्पल बहुत छोटे है मेरी साइज़ से, मेरा साइज़ है 10 और ये चप्पल है 7, तो अभी कुछ नहीं। सो गाइस वी हैव रीच्ड टू द फर्स्ट व्यू ऑफ दूधसागर वाटरफॉल। वाइड एंगल में बहुत लंबा दिख रहा है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो अगर मुझे, तो इंस्टाग्राम में, अगर नहीं भी कर रहे हो तो फॉलो करो, क्योंकि अभी मैंने जस्ट इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड किया है। मोबाइल के कैमरे से बहुत नज़दीक दिखता है, बहुत नज़दीक दिखता है। फिलहाल फर्स्ट व्यू तो देख लिया, अब यहाँ पे पता नहीं बहुत सारे मंकीज़ आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे। दूधसागर पार्किंग लॉट एरिया में पहुँच गए। नॉर्मली जो लोग जीप से आते हैं आफ्टर अक्टूबर टू मार्च, तो उन लोग के लिए ये प्लेस होता है स्टॉपेज पॉइंट। आई मीन यहाँ के आगे उनको चल के जाना होता है, जो कि सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। और ये पार्किंग लॉट है, लाइक यहाँ पे थोड़ी सी 4-5 गाड़ियाँ रुक सकती है। नॉर्मली गाड़ी रुकती नहीं, तुरंत ही बैक होती है। और हम लोग अभी जाएंगे अंदर। अंदर इन्होंने अच्छा खासा बनाया हुआ है, आई मीन मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा खासा बनाया हुआ है। ये सारा रास्ता वास्ता बनाया है, थोड़े स्टेप वेप वगैरह बनाए हैं। बीच में आपने एक ब्रिज देखा होगा वीडियो में, उसमें भी इन लोगों ने रोप वगैरह सारी लगाई हुई थी। तो मेंटेन अच्छा किया हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत कम मेंटेन किया हुआ है। मतलब जितना होना चाहिए, जो लेवल का वाटरफॉल है और जो लेवल के टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लेवल के टूरिस्ट आते हैं, मतलब जितने अमाउंट में टूरिस्ट आते हैं वो हिसाब से बहुत कम सुविधा है। लेकिन ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट व्यू देखा हम लोग ने वहाँ पर, बाद में गेट आया दूधसागर का, और अभी यहाँ पर हम लोग आ गए। ओह माय गॉड, ये व्यू देखिए। अभी हमारे गाइड साहब ने चेक किया, यहाँ पे 2 वाटर क्रॉसिंग है। पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने बोला कि पहले हम लोग वो ऊपर जो ब्रिज है रेलवे वाला, वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद और एक पॉइंट है, वो पॉइंट पे जाएंगे, और उसके बाद अगर टाइम मिला तो नीचे आएंगे। क्योंकि अगर टाइम नहीं मिला तो हमारी जो ट्रेन है जो कुलेम जाने के लिए, यहाँ पर किसी स्टॉप से मिल जाएगी हम लोग को। ऊपर दूधसागर रेलवे स्टेशन भी तो है, तो वहाँ से मिल जाएगी। तो नीचे देख के चल रहा हूँ एक्चुअली। तो वो ट्रेन का टाइम हो गया तो हम लोग ट्रेन पकड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनीवेज पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे हम लोग वो डायरेक्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, आपको पूरा ट्रैक चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा इसमें, मैं बताता हूँ, जो भी रहेगा अपडेट देता हूँ। हम लोग फिर से रेलवे ट्रैक पे आ गए थे। एक्चुअली हमारा गाइड जरा भी प्रॉपर नहीं है, मतलब कुछ पता ही नहीं है उसको। इतना दिमाग ख़राब किया है, नीचे जंगल में 1 घंटा घुमाया, बोलता है तुमको दूधसागर व्यू दिखाता हूँ, दूधसागर व्यू दिखाता हूँ। पूरा ह्यूमिड क्लाइमेट है। ट्रैक करवा करवा के जंगल के रास्ते 10 जगह पर लेके गया, और रियलिटी में कहीं पर भी कोई व्यू नहीं दिखा हम लोग को, ना ही कहीं पर रिवर में जाने मिला, क्योंकि फ्लो ही बहुत इतना ज़्यादा था। आप कभी भी आओ यहाँ पर, मतलब आप कभी भी आओ यहाँ पे तो गाइड के साथ पूरा का पूरा डिस्कशन करके ही जाना, क्योंकि ना ही ये लोग ब्रिज पे जाने देते, ना ही ये लोग जंगल में कहीं घुमाते, और ना ही ये लोग वाटरफॉल दिखाते। और ब्रिज पे चल के वाटरफॉल पे जाना भी अलाउड नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है यहाँ पे, वो रेलवे का रूल है अभी जो भी है वो। लेकिन गाइड देख के करना भाई, हमने तो गलती की, हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया। पूरा दूधसागर का ट्रिप वेस्ट हो गया हमारा। बातें छोड़ते हैं, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल पे। तो ये देखिए व्यू, माय गॉड का नज़ारा है। दूधसागर वाटरफॉल, इफ यू कैन सी बिहाइंड मी, क्या वाटरफॉल है, माय गॉड। मतलब फोटोज में बहुत बार देखा था, यहाँ पे रियल में पहली बार देख रहा हूँ। मैं जोर से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता वॉइस कैसा कैप्चर हो रहा है, क्योंकि वाटरफॉल का अभी साउंड बहुत लाउड है। और ये देखिए यार, वाटरफॉल की हाइट देखिए, यहाँ से ले गए, यहाँ से ले गए, यहाँ तक। वाइड एंगल लेंस से थोड़ा दूर दिख रहा होगा, लेकिन ये एकदम नज़दीक है, लाइक 10 मीटर्स अवे फ्रॉम मी। एंड यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक भी है जिसपे से हम लोग चल के आए थे। तो प्लेस बहुत औसम है, और क्या बोलूँ यार, इट्स वर्थ द ट्रैक ऑफ 14 किलोमीटर, सीरियसली। और हम लोग अराउंड 7 बजे स्टार्ट किया था ट्रैक हम लोग ने, और हम लोग यहाँ पे पहुँचे 11:30 बजे अभी, और आधे घंटे से यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। तो दूधसागर वाटरफॉल से वापस आ गए। अब हम लोग वापस जा रहे हैं ये कैसल रॉक या लोंडा या कर्नाटक की तरफ, क्योंकि जो वहाँ का जो स्टेशन था नियरेस्ट, वो कुछ 7 किलोमीटर दूर था। और यहाँ पे एक दूधसागर रेलवे स्टेशन है जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। अभी हम लोग यहाँ पे दूधसागर रेलवे स्टेशन पहुँचे, तो हम लोग यहाँ पे स्टेशन मास्टर मिले। दिस स्टेशन इज़ नॉट सर्विंग द पैसेंजर ट्रैफिक एक्चुअली। और यहाँ पे रुकना या यहाँ पे ट्रैक पे चल के आना, और कुछ भी हो, कैसे भी आप यहाँ पे पहुँचते हो, इट्स लाइबल फॉर 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट। तो फिर थोड़ा रिस्क पे आना, खुद के रिस्क पे आना, मेरे गाइडेंस पे मत आना कि मैं आया हूँ तो तुम आ जाओ। थोड़ा अंदरबाजी की प्लेस है ये। अभी यहाँ पे हम लोग एक हट पे नीचे खड़े रह गए, ट्रेन आने वाली है कुछ 1-1.5 घंटे में, बोल रहे 1-1.5 घंटे में ट्रेन आएगी। बहुत पैर टूट गए भाई, 15 किलोमीटर हो गए आज के, हालत ख़राब हो गई है। बस तो फिर यहाँ पे अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, ट्रेन आएगी तो बताता हूँ। तुमको वीडियो लेना था क्या? इसी को देखने के लिए तो मैं इधर आ जाओ बैठ जाओ। तो हम लोग फिर से कुलिम पहुंच गए। जरा सा भी ब्लॉग नहीं किया, ट्रेन पूरी भरी हुई थी, इसलिए सिर्फ थोड़े से वीडियो लिए, और वीडियो के बाद बस हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। अभी एक्चुअली ट्रेन 3 घंटा लेट थी, तो हम लोग को ट्रेन अराउंड 2 बजे तक मिलने वाली थी, लेकिन मिली कुछ 5 बजे। और दूधसागर रेलवे स्टेशन से यहाँ तक हम लोगों को लगा कुछ 1 घंटा। तो अभी बज चुके हैं 6। प्लान था 1 बजे आने का, लेकिन अभी 6 बज चुके हैं। तो फिर देखते हैं, चलो जाते हैं रिसोर्ट में, बहुत थके हुए। फिलहाल रिसोर्ट पहुँच गए और रिसोर्ट जो भी पहुँचना था 2-2:30-3 बजे तक आना था, लेकिन साला बहुत लेट हो गया। अब रिसोर्ट की प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, साइकिल भी मिल रही है, लेकिन घूमने का टाइम नहीं है आज। और साइकिल you want to do, but you, whether your legs are allowing or not. Yes, then go and get the cycle for me as well. But I don't know if I can drive or not. No, you can drive. Go and get for me as well. हाँ, तो स्विमिंग पूल में गए थे, लेकिन ठीक है उसमें और भी बहुत लोग हैं, तो जाने देते हैं स्विमिंग पूल अभी।